दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और जिससे आप ऐसा स्ट्रांग हो जाओगे कि पार्टनर फिर आपको इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए, चाहे आप एक लड़का हो, लड़की हो, चाहे शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, सबके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लो ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, जब आप बात करने जाते हो तो पार्टनर सही से जवाब नहीं देते हैं, जब आप कॉल करते हो तो वो कॉल उठाते नहीं हैं, जब आप उनको कुछ भी कहते हो तो वो सही से सुनते नहीं हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लेते नहीं हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो आपको करना चाहिए ये है दोस्तों, आपको एक दूसरे को स्पेस देना सीखना होगा। अगर आप सामने वाले को स्पेस नहीं दोगे तो वो कभी भी आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी की एक फैक्ट ये है, जब हमारे सामने कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है तब हम उसकी कदर नहीं करते हैं, तब हमें वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा चीप लगने लगता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए अपनी वैल्यू को समझाने के लिए। ये आपकी फर्स्ट और बेसिक पॉइंट है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आगे चल के पार्टनर आपको इग्नोर करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है दोस्तों, आपको खुद को बिजी करना सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपके पास काम कम रहता है, आप पूरा दिन अपने पार्टनर के पीछे लगा देते हो। जब आप फ्री बैठे रहते हो तो उनके बारे में सोचते रहते हो, जब आप उनसे मिलते हो तो उनके बारे में बात करने लग जाते हो, आप अपने कामों को नज़रअंदाज कर देते हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कम कर देते हो, आप अगर जॉब करते हो तो अपने जॉब पे ध्यान कम लगाते हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस से फोकस हटा के पूरा फोकस पार्टनर के ऊपर दे देते हो। ऐसा करके आप क्या करते हो दोस्तों, अपने टाइम का 99% आप पार्टनर के लिए खर्च करते हो। दोस्तों जिस पार्टनर के लिए आप अपने टाइम का 99% खर्चा कर देते हो तो जाहिर सी बात है वो आपको वैल्यू क्यों करेंगे, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना आपके बारे में सोचने का या फिर आपको वैल्यू करने का, क्योंकि आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, आप तो हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़े हो, तो वो आपको क्यों वैल्यू करेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी से वैल्यू लेना है, किसी से इज्जत लेना है, किसी से इम्पोर्टेंस लेना है, तो आपको खुद को बिजी करना सीखना पड़ेगा। और बिजी कोई ऐरे गेरे काम पर नहीं, खुद के काम के ऊपर फोकस करके आपको खुद को बिजी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद को बिजी कर रहे हो तो आप बैठ के पबजी खेल रहे हो और आप सोच रहे हो मैं तो खुद को बिजी कर दिया फिर पार्टनर क्यों मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर आप पत्ते खेल रहे हो कहीं पर बैठ के और आप सोच रहे हो कि पार्टनर मुझे मिस करेगा। नहीं, आपको आलतू फालतू कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको खुद के कामों पर फोकस करना है। आपको ये ठान लेना है कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनके दिखाना है, मैंने जो सपने देखे हैं सब कुछ पूरा करना है, मैं गरीब होके अगर जन्म भी लिया तो गरीब होके मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे सक्सेसफुल होना ही है, मुझे एक बहुत बड़े लेवल का सक्सेस अचीव करना है। और ये सोच के आप अपने कामों पर फोकस करके लग पड़ो, और कोई भी गोल आप सेट किए हो तो खुद से ये वादा करो, जब तक ये गोल मुझे हासिल नहीं होगा तब तक मेरा जो पूरा टाइम है उसका 99% मैं अपने गोल अचीवमेंट के पीछे ही लगा दूंगा। तब दोस्तों कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो आपको इग्नोर कर पाए। अगर आप अपने गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, अगर आप अपने गोल पे सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, 99% टाइम ही आप अपने गोल अचीव करने में लगा दोगे, अपने सक्सेस में लगा दोगे, अपने काम में लगा दोगे, तो पार्टनर आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना है अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करे, पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आपको डीवैल्यू ना करे, आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, तो आपको अपने सक्सेस की तरफ फोकस घुमाना ही पड़ेगा। यह है दोस्तों आपकी दूसरी पॉइंट।
अब दोस्तों थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, आखिरी पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। तो जो थर्ड पॉइंट है ये है दोस्तों, आपको आपके पार्टनर के साथ झगड़ा करना, आर्गुमेंट करना, तर्क करना, ये सब चीज़ आपको बंद करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप लिख के ले लो, पार्टनर आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो आपके साथ कैसा भी बर्ताव करे। अगर आप उसके साथ सेम लेवल पे झगड़ा करोगे, सेम लेवल पे तर्क करोगे, चिल्लाओगे, वो भी चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हो, वो भी ऊटपटांग बोल रहा है, आप भी ऊटपटांग बोल रहे हो, वो भी गाली दे रहा है, आप भी गाली दे रहे हो, और ऐसा करने पर आप सोच रहे हो कि वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आपको अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करना, तर्क करना, चिल्लाना, अपशब्द यूज करना, ये सब चीज बंद करना ही पड़ेगा। और ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो आप करोगे कब। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सेकंड पॉइंट में ही बताई कि अपने टाइम का ज़्यादातर हिस्सा आप अपने सक्सेस पे लगा दो। जब आपके पास फालतू का टाइम बचेगा ही नहीं, तब झगड़ा भी नहीं होगा। डेफिनेटली अगर आप अपने कामों पे लगे रहोगे तो आपका झगड़ा करने का टाइम कम हो जाएगा। अगर आप फ्री बैठे रहोगे तो झगड़ा ज़्यादा होगा। एक दिन आप करके देखो, मान लो आपके हस्बैंड के साथ या फिर आपके वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तो आप आज से, जब से आप वीडियो देख रहे हो, तब से आप शपथ ले लो कि मुझे कोई और काम में अपना ध्यान बटा के रखना है। ठीक है, ये एक दिन का एक्सपेरिमेंट करके आप देख लो। अब आपको जो भी पसंद का काम है, चाहे आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, चाहे आपको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, चाहे आपको मूवीज़ देखना पसंद है, पूरा दिन आप उसी में ज़्यादातर फोकस लगा के रखो। अब मान लो आपके हस्बैंड आते भी हैं, आपसे कुछ पूछते भी हैं, तो आप उसके साथ झगड़ा मत करो, कुछ भी हाँ ना में जवाब दे दो और अपना पूरा फोकस जो है ना आप उसी काम में लगा के रखो। और आप पाओगे कि कल के मुकाबले में, मतलब पिछले दिन के मुकाबले में, आज झगड़ा कम हुआ। ऐसे ही दोस्तों, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। जब आप सच में अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस डाल दोगे, आप एकदम से कसम ले लोगे कि जब तक मुझे अपना गोल हासिल नहीं होता है, तब तक मैं किसी और चीज़ पे अपना ध्यान नहीं लगाऊंगा या फिर नहीं लगाऊंगी, तब आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से दिन और रात गुजर जाएगा। आपको फालतू की टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप बैठ के झगड़ा करो, गालियाँ दो, उठपटांग करो, ये सब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, अपने काम में फोकस करो दोस्तों, क्योंकि ये जो टाइम आप ख़राब कर रहे हो पार्टनर के साथ झगड़ा करके, चिल्ला के, ऊटपटांग बोल के, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। आपका रिश्ता भी बिगड़ रहा है दिन ब दिन, और आपको सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, टाइम में टाइम का काम अच्छे से करो, तो जब टाइम ख़त्म होगा आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से ये टाइम जो है ना, इसको यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, पॉजिटिवली यूज़ करो, अपना फोकस अपने काम पे रखो। फिर देखो, पार्टनर आपको इग्नोर करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे।